आज के हमारे इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। जी हाँ, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या मतलब कि प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए डेवलपर टाइम। जो डेवलपर टैब आपको दिख रहा है, डेवलपर टैब होना चाहिए। डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है, तो इसको फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, कस्टमाइज रिबन के अंदर, यहां पे दिख रहा है, इसको जाके हमें ऑन करना होता है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आपको दूसरा करना है अपने माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल। माइक्रो सिक्योरिटी पे जाइए और यहाँ पे अनेबल, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, आपको यहाँ पे अनेबल करना हो। अगर अनेबल नहीं करते हैं तो आपका माइक्रो डिफॉल्ट रन नहीं होगा। जब भी रन होगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, आपको पॉपअप देगा एवरी टाइम कि प्लीज अनेबल द माइक्रो, आपके इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग वगैरह वर्क नहीं करेंगे। सो ये आपको जरूरत है। ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बोला है कि डोंट रिकमेंडेड पोटेंशियल डेंजरस कैन कोड रन। इसका मतलब है कि अगर माइक्रो अनेबल कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो .xlsx की फाइल होती है वो सिर्फ डेटा कैरी करती है, माइक्रो कैरी नहीं करती है। लेकिन .xlsm की फाइल होती है वो डेटा और कोड दोनों कैरी करेगा। ठीक है, लेकिन जो .xlsa की फाइल होती है वो सिर्फ कोड रन करेगी। तो आप जब xlsm और xlsa दो फाइलें ओपन करेंगे तो देख लेंगे कि इसका सोर्स क्या है, सोर्स ट्रस्टेड है या अनट्रस्टेड है। अनट्रस्टेड सोर्स पे आप ना करें, उसको अवॉइड करें। ठीक है, ठीक है सर। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है सेव, फाइल को सेव करना। ये बहुत जरूरी है, और फाइल को सेव करते समय उसका एक्सटेंशन सिलेक्ट करना है माइक्रो अनेबल वर्कफ्लो। गलती से भी आपने अगर xlsx में सेव किया तो आपका माइक्रो गया, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बट सर बुक में अगर सेव कर रखा हो फिर उसके बाद सेव करना होगा। सेव एज कीजिए। जिस फाइल में आपने माइक्रो लगाया है वो फाइल का एक्सटेंशन .xlsm होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप उसको सेव एज कीजिए। ठीक है सर, समझे, कोई ठीक है सर। दिक्कत इसमें? अगर ये फीचर जैसे एक्सएलएस से सेव हो गया जी तो सर वो क्लोज करने के बाद जाएगा या हाथों आगे चला जाएगा मैक्रो? आपका चला जाएगा जैसे आपने सेव किया, खत्म, कहानी खत्म। ठीक है मतलब जो कोड लिखा है वो डिलीट हो जाएगा जी, बिल्कुल चाहे वो पर्सनल वर्कबुक में लिखा हो। जी। नहीं, सर पर्सनल मैं जब पर्सनल का नहीं होगा, पर्सनल सेव हो जाता है, वो अलग सेव होता है। नहीं, क्योंकि मैं जब भी करता हूँ पर्सनल में तो नहीं, फिर गलत सेव कर, गलत करते हैं, करके फिर पर्सनल माइक्रो यूज नहीं करना। ठीक है, बताऊंगा आपको, पहले जो आप करते हैं उसको भूल जाइए, अभी जो मैं कर रहा हूँ उसको सही समझिए। ठीक है, टाइप ठीक है। ऑफ माइक्रो में पता चल जाएगा आपको, टाइप ऑफ माइक्रो नहीं पढ़ा है ना तुम्हें। उसके बाद आपको विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है, इसका शॉर्टकट Alt F11 होता है। हो सकता है कोई किसी फाइल में डेवलपर टाइप आपने नहीं डाल रखा है, एक ही बार यूज करना है, तो Alt F11 यूज करेंगे तो आपको विजुअल बेसिक खुल के आएगा। अब खुल के आएगा, इसमें तो दो चीजें चाहिए होगी, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नेविगेशन के लिए और यहाँ पे प्रॉपर्टी वाला। अब कभी क्या है कि डिफॉल्ट होता है लेकिन मे भी कई बार नहीं होता है, तो आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट, इंसर्ट माफ कीजिएगा, व्यू, व्यू के अंदर एक Ctrl R और F4, ये दोनों क्लिक कीजिएगा, ये चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। रीजन रीजन है कि आपको कोड कहाँ करना है, क्योंकि जितने फाइल ओपन रहेंगे सारे फाइलों का लिस्ट यहाँ पे दिखेंगे, उसके अंदर के ज्यादा सारे शीट्स का लिस्ट यहाँ पे दिखेगा, तो नेविगेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, वरना आप कोडिंग कहाँ करेंगे कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, ठीक है सर।
क्लियर है? हाँ सर, यहां हम इसको करते हैं इंसर्ट, इंसर्ट मेमो रूट। क्यों? कि कोडिंग करे कहां, तो सीट वन पे भी हम कोड कर सकते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट आर आर ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो आपको सब होना चाहिए, सम कर दिया, एक कोड बन गया। इसके बीच में मैं जो कोडिंग में लिखना है लिख दिया आपने, जैसे मैंने मैसेज बॉक्स के लिख दिया कि एम, यहाँ पे कि एम एस जी बॉक्स यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अब ये आपका एक्सेल के ऊपर रन तो होगा, माइक्रो में आइए और इसको रन कीजिए, रन तो होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी ने सीट वन को कर दिया डिलीट, डिलीट हो गया तो गया आपका मैक्रो, तो गया आपकी सारी कोडिंग। दूसरी प्रॉब्लम, आप कुछ लोग बोलते हैं सर दिस वर्कबुक में कर लीजिए, फिर दिस वर्कबुक तो वर्कबुक के प्रॉपर्टी में सेव करेगा ना, सीट के प्रॉपर्टी में सेव नहीं करेगा। तो सिर्फ डेटा आपकी कोड स्टोरेज का ही पॉइंट नहीं है, इसमें दूसरा पॉइंट आता है आपका रेफरेंस का, नेविगेशन का। मतलब कि आप अगर वर्कबुक या सीट वन पे किसी तरह कोड करते हैं तो किसी और फाइल के साथ लिंक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, इसलिए इसको भी अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब यहां पे हाँ क्या बोल सर, दूसरे फाइलों से सब लिंक लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप दिस वर्कबुक में या सीट वन सीट थ्री में करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपका दूसरे फाइलों के साथ से डेटा लेना है, उसकी जो नेविगेशन है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं बोलता हूं उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट यहाँ पे आर आर करता हूँ या कुछ भी लिखता हूं, दिक्कत होती है। तो प्रोग्रामिंग करें कहाँ, तो प्रोग्रामिंग करेंगे इंसर्ट मॉड्यूल्स में, तो मॉड्यूल्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग करनी है वो हम करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये फाइल के प्रॉपर्टी में ही सेव, फाइल के प्रॉपर्टी में ही सेव होगा, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब बात करते हैं टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में, उसके बाद माइक्रो डिक्लेरेशन समझाएंगे आप, ठीक है। तो माइक्रो के टाइप, टाइप ऑफ माइक्रो, टाइप ऑफ माइक्रो सीखिए क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रो के टाइप कितने हैं। तो बेसिकली माइक्रो के जो टाइप है वो है, दो तरह के टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है पब्लिक माइक्रो, कौन सा माइक्रो, पब्लिक माइक्रो, जी हाँ पब्लिक माइक्रो। पब्लिक माइक्रो मतलब कि जो माइक्रो आप रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ जैसे आप रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड करते समय आप यहाँ पे दिस वर्कबुक सेलेक्ट करते हैं, या फिर आप जो है यहाँ यहाँ पे आते हैं मॉड्यूल्स के अंदर जो आप सब्जेक्ट करके जो आप लिखते हैं, या फिर हम पब्लिक सब करके लिखते हैं, ये हमारा पब्लिक माइक्रो कहलाता है। तो पब्लिक माइक्रो क्यों कहलाता है, बेसिकली यह है कि आपका जो माइक्रो बना, पब्लिक सब जो हमने बनाया या फिर पब्लिक माइक्रो जो हमने बनाया, इस फाइल के साथ पब्लिकली ट्रेवल करेगा, जहां जहां मेरा फाइल जाएगा हर जगह हमारा एक फाइल जाएगा, समझे। तो जो इस फाइल को एक्सेस करेगा वो सारे लोग हमारे इस माइक्रो को एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर है। इस चीज को पब्लिक माइक्रो कहा गया, क्योंकि फाइल के साथ सेव होता है, फाइल के साथ ट्रेवल होता है, आपको अलग से माइक्रो बना के भेजने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्या प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए कि मुझे कुछ ऐसा टूल्स बना, समझे, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक रिमूव डुप्लीकेट करने का टूल्स बना, ठीक है सर,
उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी सर? प्रॉब्लम उसमें ये होगी कि आपका जो टूल्स है वो टूल्स वर्क करेगा उसी पर्टिकुलर फाइल में जिस पर्टिकुलर फाइल में आपका वो मैक्रो है। तो मतलब कि मुझे जिस किसी और फाइल पे अप्लाई करने के लिए पुराना वाला फाइल को ओपन करना पड़ेगा, तभी वो अप्लाई होगी, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। ये तो क्रिटिकल जॉब हो गया सर। क्या सर? हाँ सर, उसके लिए जो आपने बोला ना पर्सनल, उसलिए उसके लिए हम पर्सनल माइक्रो इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? पर्सनल माइक्रो। ठीक लेकिन पर्सनल माइक्रो को हम कैसे यूज करेंगे? तो रिकॉर्ड करते समय यह आपके सामने पर्सनल आता है, इसी में करते हैं ना हमेशा। हाँ सर, तो ये क्या करता है कि आपकी जो कोड है ना, जो भी कोड आप लिखते हैं या जो भी कोड जनरेट होती है, वो सारे कोड को क्या कर देता है? स्टोर कर देता है। कहाँ? लोकेशन आपके, सेट। हाँ आपके इसमें लाइब्रेरी में, ना कि एक्सेल फाइल के अंदर। इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि वो प्रोग्रामिंग सिर्फ आपके पास ही रहती है, आपके सिस्टम पे ही वर्क करेगा, किसी और सिस्टम पे वर्क नहीं करेगा। कर सकते हैं सर, अगर मैंने वो फाइल भेजी और वो इंस्टॉल कर देता है वो फाइल तो। नहीं, फाइल के साथ जाएगा नहीं मैक्रो? नहीं, फाइल के साथ नहीं जाएगा सर, वो स्पेसिफिकली अलग से अगर मैं भेजता हूँ तो ये कोड ही अलग भेज देता हूँ तो। हाँ, तो कोडिंग भेजने को दिक्कत होगी ना? जिसको मैक्रो पता होगा वही करेगा, जिसको मैक्रो पता नहीं होगा तो नहीं कर देगा। क्या हाँ वो बात तो है सर, दूसरी चीज होती है, इसको डिलीट, लेकिन इसको डिलीट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए। हाँ सर, हाँ, क्योंकि यहाँ देखिए, आप जब विजुअल से क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे सोल्वर दिखेगा। सोल्वर दिख रहा है? ये पर्सनल, क्योंकि हमने इंस्टॉल किया, इसलिए अलग से दिख रहा है। इसलिए मैं आपको पर्सनल माइक्रो नहीं यूज करेंगे, हम बताएंगे एडिंग्स। क्या बताएंगे? एडिंग्स, ठीक है। ठीक एड एड इंस करके एक ऑप्शन होता है, उसको यूज करेंगे। तो पर्सनल माइक्रो अब क्या नहीं करना है, यो नहीं करना है, हम एडिंग्स यूज करेंगे। तो एडिंग्स में क्या होता है कि इजिली एड कर, जैसे देखिए आपके सोल्वर आपका इजिली एड किया गया, तो यहां हम एक्सेल ऑप्शन पे जाकर अपने एडिंग्स को इजीली ऐड कर दे, समझे? है सर, पर्सनल माइक्रो यूज नहीं करना। तो हम पब्लिक माइक्रो को यूज करेंगे, पब्लिक माइक्रो ही पर्सनल माइक्रो के फॉर्म में आ जाएगा। कैसे? एडिंग्स की मदद से। जैसे कि मैं ऑफिस में काम करता था, तो मैं करीब 150-200 फॉर्मूले मैंने खुद के बनाए हुए थे। अब कोई बंदा बोलता है कि सर मुझे ये फॉर्मूले दे दो, तो अगर मैंने ये फॉर्मूला उसको कोडिंग में दे दिया तो कैसे इंप्लीमेंट करेगा, क्या होगा नहीं होगा, कुछ ऐसा पता नहीं था ना सर। तो क्या करते थे, मैं क्या करता था कि मैं उसको उस फॉर्मूले का एड इंस बना के दे देता, ठीक है। तो जस्ट जस्ट उसके अंदर जाके वो एड कर देता, ठीक है। वो बटन की तरह जैसे ऊपर डेवलपर टैब में जी जो है जी ऐसे वही। ठीक जी उसी तरह से, ठीक है। मैं समझा नहीं आ रहा सर आपको। एड इंस जो है ना, वो ऐड कर लेगा, फिर उसको कोडिंग के अंदर नहीं होता, वो जाके एड इंस में जाके ऐड कर लेगा, ठीक है ना। इजिली भेजने में आसानी होगी, हम फाइल के तरह उसको भेज देते हैं। तो सर वो दिखेगा कैसे सर, वो आगे के अगर सिस्टम पे अगर आएगा माइक्रो के अंदर ही आएगा सर, कैसा? माइक्रो के अंदर जैसे अंदर होता है उसी तरह से आएगा। माइक्रो लिस्ट में सारे माइक्रोज आ जाएंगे यहाँ पे। उसकी कोडिंग किसी और फाइल में होगी, कोडिंग कहीं और रखा होगा, और हर फाइल के लिस्ट में वो दिखेगा जब ऐड कर लेंगे। बताऊंगा आपको मैं, जैसे पर्सनल माइक्रो यूज करते हैं ना, सेम उसी तरह से होगा, बट उसको चेंज करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना और उसको हटाना आसान हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है सर, और आपकी मर्जी की लोकेशन पे होता है। तीसरा जो आता है वो आता है इवेंट
माइक्रो, इवेंट माइक्रो मतलब कि आप पर्सनल माइक्रो बनाए, एडिंस बनाए या पब्लिक माइक्रो बनाए, ये कब रन करेगा? जब आप चाहेंगे, जब आप उसको रन करेंगे। जैसे एक दरवाजा हुआ कि आपको हैंडल से दबा के धक्का देके खोलना है, राइट? दूसरा होगा कि सेंसर लगा है कि जैसे आप आए दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाए। तो सेंसर पे क्या लगा हुआ? इवेंट माइक्रो लगा हुआ है कि जैसे सेंसर को कोई आहट महसूस हो दरवाजा खोल दे, समझे? तो तो उसी तरह का इवेंट माइक्रो, जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं कहीं भी क्लिक करूं तो मेरा माइक्रो रन हो जाए, या मैं डबल क्लिक करूं, या मैं सीट ऐड करूं, मैं सीट डिलीट करूं, फाइल ओपन करूं, फाइल क्लोज करूं, बटन पे क्लिक करूं, बटन पे माउस ले जाऊं, दैट इज इवेंट माइक्रो। तो ये कैसे होते हैं? तो जो बताया गया आपको कि सीट्स के में कोडिंग नहीं करते हैं, तो इवेंट माइक्रो कोडिंग सीट्स में होती है। सीट तो मैं यहाँ पे सीट 3 पे गया और यहाँ पे मैंने वर्कशीट, और ये रहा हमारा इवेंट। इतने तरह के इवेंट पे मेरा माइक्रो रन हो सकता है। तो सिलेक्शन चेंज बाय डिफॉल्ट था। अब इसमें मैंने बोल दिया कि टारगेट, टारगेट मतलब जहां क्लिक होगा, यहाँ पे देखिए टारगेट एज रेंज दिया हुआ है, डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रहे, तो बैकग्राउंड कलर का कोड होता है, तो जहां भी क्लिक करेंगे वो कलर हो जाएगा। हो गया? तो ये जो मेरा कोडिंग है कि मैं रन तो नहीं कर रहा हूं ना सर, तो ऑटोमेटिकली जहीं कहीं पे क्लिक करते ही अपने आप को रन कर दे रहा है, तो दैट कॉल्ड इवेंट माइक्रो, समझे? सर इसको प्राइवेट माइक्रो भी कहा जाता है और इवेंट माइक्रो भी कहा जाता है। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो, कि माइक्रो कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो हम फिलहाल पब्लिक माइक्रो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो माइक्रो लिखने के लिए आप पब्लिक सब और माइक्रो नेम लिखें, या सब और माइक्रो नेम लिखें, बोथ आर द सेम। जैसे प्लस वन और वन बोथ आर द इक्वल, ऐसे यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है? यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिए माइक्रो नेम, जैसे मैं लिख दिया टेस्ट। अब मैं यहाँ पे टुडे, टेस्ट टुडे, ये माइक्रो नेम गलत है। क्यों? क्योंकि तो माइक्रो नेम के अंदर किसी भी तरह का स्पेस, प्लस माइनस घटाओ, स्पेशल करेक्टर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, सिर्फ अंडरस्कोर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? तो माइक्रो नेम के अंदर क्या नहीं होने चाहिए? स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग डॉट वगैरह, ठीक है? डॉट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी स्पेशल करेक्टर है वो ना लेगा, सिर्फ अंडरस्कोर लेगा, क्योंकि अंडरस्कोर का सिस्टम स्पेशल करेक्टर नहीं मानता है, ठीक है? ठीक दूसरा इसमें आता है कि एक नाम के दो माइक्रो नहीं होनी चाहिए, एक नाम के दो माइक्रो नहीं होनी चाहिए, तो डुप्लीकेट नेम नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपको 3 डिजिट, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे मेरे बेटे का नाम है देव और देव वन कर, ये माइक्रो नेम नहीं होना चाहिए। अब बोलेंगे क्यों, इसमें क्या खराबी है? बहुत अच्छा था नाम है, वो भी मेरे बेटे का नाम है। नाम से खराबी नहीं है सर, नाम के साथ जो नंबर लगाया ना उससे खराबी होगी। कैसे? देखिए, जैसे इसको रन करने के लिए आप जाएंगे ना, तो कहां कर्सर पहुंच गया? देव, DEV, देव वन, समझे? ठीक मतलब कि आपका जो सेल का एड्रेस है वो 3 अल्फाबेट में होता है। कितना अल्फाबेट में होता है? 3XFD, 3 लेटर में होता है। तो 3 लेटर विथ नंबर नहीं होना चाहिए, ए वन, बी वन, सी वन, राज वन, राय वन, देव वन, ऐसे नेम नहीं डालो, तो आप उसको रन ही नहीं कर पाए ना। उसके बीच में अंडरस्कोर लगा दीजिए या 4 करेक्टर कर दीजिए तो आपका एक्सेप्ट हो जाए। क्लियर है? बट समझ यहां पे बात आती है, ये हो गया। अब यहां पे बात आती है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग करें तो कैसे करें, क्या लिखे? पहला लाइन क्या लिखे? पहला लाइन याद रखिएगा कि मोस्टली 4 करेक्टर है, 4 वर्ड है, उसी से स्टार्ट होता है मोस्टली, हर नहीं लिखा मोस्टली। एप्लीकेशन, वर्क बुक, सीट्स,
रेंज, ये चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना इंग्लिश वर्ड का, और हम इंग्लिश के जो भी वर्ड बोलते हैं मोस्टली वर्ड नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, हाँ उसी तरह से इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए फाइल सेव करनी है, तो फाइल को यहाँ कोड में वर्कबुक कहा जाता है, तो फाइल पे होने वाले सारे ऑपरेशंस वर्कबुक से कोड किए जाए। फिर सीट को रिनेम करना है, तो सीट पे होने वाले सारे ऑपरेशंस सीट से करेंगे। उसी तरह से मुझे A1 B1 C1 पे कुछ करना है, तो हमारा वो रेंज निकलेगा, ठीक है। और इसी के सब नाम सब होते हैं, जैसे कि एक्टिव वर्ब, ठीक है, जो फाइल एक्टिव है बाय द वे एक्टिव वर्क बुक हो जाता है यहाँ पे, एक्टिव वर्क, ठीक है। उसी तरह से सीट्स में सीट्स हो जाता है, एक्टिव सीट हो जाता है, और एक्टिव शीट मतलब ये ना जो सर सीट सामने पे सीट, अभी हाँ जिस सीट पे काम हो रहा है एक्टिव है, उसी से रेंज हो जाता है, सेल्स हो जाता है, एक्टिव सेल हो जाता मतलब है, इसमें नाम ही दे रहा होगा शीट का। बिना होता है, बिना होता है। मैंने बताया ये चार वर्ड होते हैं, समझे। प्राइवेसी बात होता है कि हम वर्कबुक भी कर सकते हैं, एक्टिव वर्कबुक कर सकते हैं, सीट भी कर सकते हैं, एक्टिव सीट भी कर सकते हैं, रेंज कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, एक्टिव सेल कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, समझे ना। जैसे सर अगर मेरे को प्रोग्राम ऐसे बनाना है कि कोई भी शीट जो भी नाम हो सर वो तो कोडिंग करेंगे ना हम उसके अंदर, हमें कोडिंग करना नहीं सिखाया, मैंने बताया कि स्टार्ट किससे होगा, वर्ड शुरू किससे करेंगे, समझे। अब किसी बात को बुलाना है तो सबसे पहले उसका नाम लीजिएगा ना, नाम के साथ बाकी चीजें कीजिएगा क्या। तो अब ऑफिस में है तो ऑफिस का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग है, दोस्त यार कुछ अलग करते हैं, घर पे कुछ अलग नाम है ना। ये लाइन के साथ ही इसमें कोड में वो जब भी आप मैक्रो चेंज करेंगे लाइन आ जाती है, दूसरे एक माइक्रो से दूसरे माइक्रो के बीच का डिवाइडर होता तो वो एक ही फाइल का मतलब एकदम रन है। हाँ हुआ हाँ दोनों तो नहीं एक रन हो, वन बाय एक माइक्रो एक रन, यहाँ पे जाइएगा दूसरा तो रन का तो जैसे यहाँ आगे माइक्रो पे चलता जाइएगा तो यहाँ देख रहे हैं टेस्ट टुडे और देव ना, जिसको सेलेक्ट करके रन किसी बोला ना होगा ना। समझिए। ठीक है, क्लियर है। अब डिसाइड कैसे होगा कि मुझे कोड किससे स्टार्ट करना, इसके लिए आपको एल्गोरिदम लिखना होगा, एल स्टेप। जैसे मान लीजिए कि मुझे A1 B1 C1 पे नेम रोल और मार्क्स लिखना है, तो इसकी कोडिंग के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट करना है एल्गोरिदम, मतलब कि स्टेप कैसे, इस तरह से स्टार्ट। स्टार्ट में हमने यहां लिखा कि सेलेक्ट A1 एंटर नेम, फिर सेलेक्ट B1 एंटर मार्क्स, सेलेक्ट C1 एंटर रॉ, है ना, समझे। अब बोलेंगे सर ये बच्चों वाले क्या लिखने के बोल रहे। देखिए क्या है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसका स्टेप हमें एक कॉपी में लिखना पड़ता है, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। अब ऐसा क्यों, ऐसा के पीछे रीजन ये है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे, आप अपना कोई प्रोग्राम बनाया तो दैट ओके आपको पता है, लेकिन अगर वही प्रोग्राम किसी और का बना रहे हैं थर्ड पार्टी का, तो आपको क्या पता कि उसको क्या क्या चाहिए, वो बताएगा आपको। अब जब वो बताएगा आपको तो आपको आइडिया थोड़ी होगा कि भाई याद थोड़ी रहेगा कि हाँ ऐसा ही करना है, क्या सर याद रहेगा। तो समझ उससे तो अब दूसरी चीज है कि अगर आपने उसको जो है आपका ये आपने कोई गलत लिख दिया तो सीक्वेंस, जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि पहले सिलेक्शन करना है फिर नाम लिखना है, तो पता चला कि आपने सिलेक्शन बाद में कर दिया, नाम पहले लिख दिया। गया सर। इसलिए स्टेप का होना जरूरी है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए,
तो आप जो है अपने ऑफिस के जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह उस पर एकदम